हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। लेसन नंबर हमारा इसमें फोर मल्टीप्लिकेशन है। हमारा लेसन नंबर फोर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे पेज नंबर 31 है। ये आपका लास्ट टॉपिक लास्ट है आपका, ये आज चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स मल्टीप्लिकेशन है। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं वर्ड्स में, ठीक है, शब्दों में, और वो किस में बेस्ड हैं आपके, मल्टीप्लाई में। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। लेसन नंबर फोर मल्टीप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम्स, पेज नंबर 31 है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन इसका लिया है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ 15 ईयर्स, यानी कि 15 सालों में कितने दिन होते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, इसको एक साल में आप पहले बता लीजिए कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। ये आपको सभी को पता होगा कि एक साल में, यानी कि पूरे एक साल में जो 12 महीने हैं उनमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज, ठीक है। यानी कि एक मंथ, कुछ मंथ आपके 30s में जाते हैं, कुछ मंथ आपके 31 में, और कुछ मंथ आपके 28 जो फैब होता है आपका। तो टोटल मिला के कितना हुआ आपके पास, 365 डेज होते हैं। तो 15 इयर्स में आपको बताना है, तो 15 इंटू क्या करेंगे, 365 इंटू क्या करेंगे हम, 15। तो मल्टीप्लाई का जिस तरीके से आपको पहले बताया गया है उसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 365 इंटू 15, पहले इस 5 को हम 365 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आपका कितना आएगा, 1825, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है आपके पास, डिजिट है 1, तो 1 को किस तरीके से करेंगे, 1 के पीछे देखिए कितने डिजिट है, 1 यानी कि 5 है, तो यानी कि 1 डिजिट है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रफ अंक में देख लीजिए, 365 इंटू 10, तो ये 0 यहाँ पे इसको ऑलरेडी कर लीजिए। तो 365 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 365 ही आएगा, ये 0 यहाँ पे थी, तो 3650 आपके पास मल्टीप्लाई करने में आया। इसको आप बैकवर्ड डायरेक्शन से लिखेंगे, 0565, अब लास्ट में इसको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5475 डेज इन अ 15 ईयर, यानी कि 15 सालों में टोटल दिन कितने हुए, 547, यानी कि 5475। इस तरीके के क्वेश्चन आपने लास्ट वीडियोस में करे हैं, हमने मल्टीप्लाई भी आपको बता चुकी हूँ मैं, तो आपने सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पे 4 है आपका, हाउ मेनी आवर्स इन देयर इन अ 24 डेज, यानी कि 24 कितने घंटे होते हैं 24 दिनों में। तो आपको पता है कि वन डे में, यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, यानी कि कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो 24 डेज में कितने होंगे, 24 इंटू 24, इसको भी ऐसे करेंगे, 24 इंटू 4 हमने किया, पहले 4 को इस 24 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने कितना आया हमारे पास, 96 आया। फिर ये जो आपके पास 2 बचा, यहाँ पे 2 है आपका, 2 को हम 24 से करेंगे, तो देख लीजिए किस तरीके से करना है आपने, 2 के पीछे कितने डिजिट है, 1, यानी कि 4 ओनली 1 डिजिट है, तो यहाँ पे देखिए रफ वर्क 24 इंटू 20 हो जाएगा। इस 0 को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 24 इंटू 2 आपके पास बचा, फिर 2 को आपने 24 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, सॉरी, तो कितना आपके पास, 48, तो 480 आपके पास आया मल्टीप्लाई करने में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन से हम इसको लिखते हैं, 0, 8 एंड 4, इसको ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाए आपके पास, 576 आवर, यानी कि 576 आवर्स होते हैं इन 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिया है, 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वन बॉक्स हैज 69 ब्लॉक्स, यानी कि एक बॉक्स है, एक डब्बा है, उसमें 69 ब्लॉक्स हैं, इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ब्लॉक्स हैं आप, ठीक है। तो हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन अ 128 बॉक्स, तो आपको बताना है कि 120, अगर एक बॉक्स में इतने ब्लॉक्स आ सकते हैं, तो 128 में कितने ब्लॉक्स आपके आएंगे, सिंपल है, आपने मल्टीप्लाई करना है। 128 इंटू 69 हमने किया, तो 128 को हमने 69 से किया, तो 9 को हम पहले 128 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो कितना है हमारे पास, 1152, फिर इस 6 को हम 128 से करेंगे, तो सेम उसी तरीके से करना है, 6 के पीछे कितने डिजिट है, 1, 9, तो 1 डिजिट है, तो 128 इंटू क्या हुआ आपके पास, 60, 0 को आप यहाँ पे और लिख लीजिए, 128 इंटू 6 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो कितना है आपके पास, 768, इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन से लिखेंगे हम, 0, 8, 6, 7, लास्ट में इसको प्लस कर लेंगे, तो कितने ब्लॉक्स हैं आपके 128 बॉक्स में, 128 बॉक्स में 8,832 ब्लॉक्स इन 128 बॉक्सेस। तो ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे होपफुली आपको। पेज नंबर 31 में आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 करना है आपने। सो थैंक यू क्लास।